प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। साम्स 85 वर्सेस 4, भजन संहिता 84 उसका 4वां आयत है। रिस्टोर अस ओ गॉड ऑफ साल्वेशन एंड कॉज योर इंडिग्नेशन टुवर्ड्स अस टू सीस। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनस्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। लॉर्ड रिस्टोर अस, हमें पुनस्थापना करे, एक प्रार्थना है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस भी इस प्रार्थना को करते हैं कि मेरा प्रार्थना यही है कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कि परमेश्वर आपको पुनस्थापित करने पाए। विल गॉड रिस्टोर यू, मतलब एक सामान या एक चीज जिस जहां पे होना चाहिए और जिस जहां पे था वहां से वो हट गया, कहीं और चले गया, या वो टूट गया, खराब हो गया, या अपने जगह से अपना वो काम वो फंक्शन में नहीं है। उस चीज को दोबारा जब ठीक करके, सही करके, नया करके उस जहां में जहां पे वो होना चाहिए, जहां पे उसे रखा गया, तो उस जगह में वापस रखने को हम पुनस्थापना बोलता है, रिस्टोरेशन बोलता है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया एक उद्देश्य के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य जब उस उद्देश्य में से गिर गया, परमेश्वर की महिमा से गिर गया, परमेश्वर की योजना से दूर हो गया, अपना मर्जी के अनुसार जीने की वजह से मनुष्य अपना उद्देश्य में से भटक गया, परमेश्वर की योजना से वंचित रह गया। इस पृथ्वी पर जीने का उद्देश्य और मकसद उनको मालूम नहीं पड़ा, बस बहाव में बहते जाते हैं। उसको पता नहीं कि परमेश्वर उसको क्यों बनाया, बनाकर कहां पर रखा, कौन सी मकसद के लिए रखा था, कौन सी फंक्शन के लिए रखा था। लेकिन वो जब उनका जीवन में टूट गया, नाउ ये प्रार्थना परमेश्वर से करना, लॉर्ड रिस्टोर अस, परमेश्वर हमें पुनस्थापना करे उस जगह में, उस कार्य के लिए, उस फंक्शन के लिए मुझे पुनस्थापना करे। आपकी इच्छा, जिस मकसद के लिए आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, उस मकसद की ओर मुझे पुनस्थापना करे, ताकि मैं अपना मन मर्जी के अनुसार दुनिया की बहाव में बहते हुए ना जाऊं। परमेश्वर मुझे पुनस्थापना करे। लॉर्ड रिस्टोर मी, रिस्टोर अस, हम प्रार्थना करने, लॉर्ड रिस्टोर माई लाइफ, रिस्टोर माई फैमिली, रिस्टोर अवर चर्च, रिस्टोर अस लॉर्ड, पुनस्थापना कर प्रभु। God bless you, God be with you, Shalom.